हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टोना चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा डेली एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, प्रैक्टिस और रिवीजन को ध्यान में रखते हुए। तो हमारे साथ जुड़िए, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विद एनर्जी के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक अभ्यास भारत द्वारा सांगरी लॉ डायलॉग 2018 में घोषित किया गया था। अभी सांगरी लो डायलॉग क्या है, ध्यान करिए आप लोग, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका आंसर है सिट मैक्स। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। हाल ही में त्रिपक्षी, कौन सा त्रिपक्षी नौसैनिक अभ्यास सिंगापुर, भारत और थाईलैंड, तो सिट मैक्स इसके बीच है। सिंगापुर, भारत, थाईलैंड समुद्री अभ्यास सिट मैक्स का तीसरा संस्करण हिंद महासागर के अंडमान सागर में आयोजित किया गया। यह अभ्यास वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है और जून 2018 में सांगरी लॉ संवाद में भारत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS सांगरी लॉ संवाद एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। एशिया का, ध्यान रखने वाली स्टेटमेंट क्या है कि सांगरी लॉ संवाद किसका है, एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है और इसे वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में आपसी संबंध को मजबूत करना और समान समझौता प्रक्रियाओं को विकसित करना। यह अभ्यास भारत की सागर हिंद महासागरीय क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं समृद्धि नीति के उद्देश्यों के लिए अनुरूप है। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा डी, इसको बोलते हैं सिट मैक्स। किसके बीच होता है, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच। अपने नोट में इसको मेंशन कर लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्बरस का सबसे अच्छा उदाहरण है या फिर वर्णन करता है, तो सर्बरस का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, एक वर्ड है, पूछ लेता है हाल ही में चर्चा करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बनाता रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग, 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह एक बैंकिंग ट्रोजन है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड टर्मोलॉजी है। तो ध्यान रखना है कि सर्बरस किससे संबंधित है, बैंकिंग ट्रोजन संबंधित है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। सर्बरस एक बैंकिंग ट्रोजन है जो मुख्य रूप से क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे वित्तीय डाटा चोरी करने हेतु उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मुख्य रूप से क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे वित्तीय डाटा चोरी करने के लिए उपयोग करते हैं सर्बरस। ट्रोजन एक प्रकार का क्या होता है, कोड या सॉफ्टवेयर है जो डेटा या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है, बाधित करता है और चोरी करता है, हानिकारक कार्रवाई करता है। बैंकिंग ट्रोजन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों का उपयोग ग्राहकों के बारे में गोपनीय जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है। अब देखते हैं सर्वरस के कार्य क्या है, देख लीजिएगा एक नज़र में। यह COVID-19 महामारी का लाभ उठाता है और एक उपयोगकर्ता को दुर्भावनापूर्वक सॉफ्टवेयर वाले लिंक को डाउनलोड करने लुभाने के लिए SMS भेजता है। यह अपने एप्लीकेशन को आमतौर पर फिशिंग अभियानों के माध्यम से फैलाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को इसे अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिंक वाला ईमेल या टेक्स्ट संदेश बैंक के किसी विश्वसनीय स्रोत से आया है। लिंक उपयोगकर्ता को एक जाली वेबसाइट पर ले जाता है और एक बार लॉगिन नाम और पासवर्ड जैसे विवरण दर्ज करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल हैकर तक पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप लोग उसको नोट बना लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिप्टो करेंसी ऐसे भी न्यूज़ पर रहती है कि संदर्भ में बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, बताना है क्रिप्टो करेंसी का लाभ कहा जा सकता है। इन कथनों में से किसको क्रिप्टो करेंसी का लाभ कहा जाता है, आपको ये बताना है फ्रेंड्स। देखिए विचार कीजिए किसको कह सकते हैं, तीव्र और सस्ता लेन देन, निवेश गंतव्य और मुद्रा स्फीति विरोधी मुद्रा। देखिए हिंदी जो आती है UPSC के क्वेश्चन में, तो हिंदी वालों के लिए वाला जो ट्रांसलेशन है वो इसी टाइप का रहता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ते चलिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक दो तीनों चीज़ें जो है क्रिप्टो करेंसी के लाभ होते हैं, कैसे तीव्र और सस्ता लेन देन भी होता है, निवेश गंतव्य भी होता है और मुद्रा स्फीति विरोधी मुद्रा भी होती है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है फ्रेंड्स। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लाभ देखते हैं, तीव्र और सस्ते लेन देन, ये इसकी पहली, इसका जो मतलब स्टैटिक्स है, अच्छी चीज़ है, प्रॉफिट है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को निष्पादित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करना सस्ता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन को उनके गंतव्य तक पहुंचने से पहले बिचौलियों की श्रृंखला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। अच्छी स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। निवेश गंतव्य के बारे में देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी की आपूर्ति सीमित है आंशिक रूप से सोने की तरह, इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अन्य वित्तीय साधनों की तुलना में क्रिप्टो करेंसी की कीमत तेजी से बढ़ी है, न्यूज़ में रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसके कारण लोगों का झुकाव क्रिप्टो करेंसी में निवेश का अधिक देखा जा सकता है। मुद्रा स्फीति विरोधी मुद्रा, ये क्या होता है भैया, देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी की उच्च मांग के कारण इसकी कीमतें काफ़ी हद तक वृद्धिमान प्रक्षेपवक्र यानी कि ग्रोइंग ट्रेजेक्ट्री द्वारा निर्धारित होती है और इस परिदृश्य में लोग इसे खर्च करने की तुलना में अपने पास रखना अधिक पसंद करते हैं। इससे मुद्रा पर जो क्या होता है, अपवस्ती कारक यानी कि इसको बोलते हैं क्या, डिफ्लेशनरी इफेक्ट उत्पन्न होगा। इससे क्या होगा, डिफ्लेशनरी इफेक्ट उत्पन्न होता है। ध्यान से देखिएगा व्याख्या, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सुना भी कीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में चर्चा में रहा एक नया, देखो दर्रा आया है, इसका नाम क्या है, लम खागा दर्रा ट्रैक
किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। हाल ही में चर्चा में रहा लम खागा दर्रा ट्रैक किस राज्य में स्थित है, नया दर्रा है पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्तराखंड की बात करता है। देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। लम खागा दर्रा गढ़वाल कहाँ पास है ये भी आप याद रखना, उत्तराखंड में तो है ही। एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हो कि गढ़वाल हिमालय में एक अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो स्टेटमेंट लगा के दे सकता है आपको, जो हिमाचल प्रदेश में सांगला से जुड़ता है और इसकी ऊंचाई दूरदर्शिता के कारण इसे हिमालय उत्तराखंड के सबसे कठिन ट्रैक में से एक माना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है और तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, हमको बताना है ये किस धर्म से संबंधित है। हम देखते हैं किसके बारे में ये बता सकता है, ध्यान करिएगा आप लोग भी। यह भक्ति के निर्गुण रूप की शिक्षा देता है। ठीक है, देखते हैं। यह सामूहिक पूजा के लिए नियम निर्धारित करता है और इसके भजन गुरबानी कहलाते हैं। बस मान लीजिए हमको ये दोनों स्टेटमेंट नहीं पता है, बस हमें गुरबानी से ही समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सिख धर्म के बारे में ये तीनों बातें लिखी गई हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कह रही है। गुरु नानक जी के विषय में कुछ अपन पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से इस टाइप का। गुरु नानक देव 1469 से 1547 के जन्म अवसर पर कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जयंती मनाई जाती है और उन्होंने भक्ति के निर्गुण रूप की शिक्षा दी। उन्होंने बलिदान अनुष्ठान स्नान छवि पूजा और तपस्या और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के ग्रंथों को अस्वीकृत किया। देखिए गुरु नानक जी का ये आप काल थोड़ा सा याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि मतलब 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी इस टाइप के दो तीन लोगों के नाम दे देते हैं दार्शनिकों के, और उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के ग्रंथों को अस्वीकृत किया। उन्होंने सामूहिक पूजा संगत के लिए सामूहिक पाठ से जुड़े नियम स्थापित किए। उन्होंने अपने शिष्यों में से एक गुरु अंगद को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया और इस प्रथा का लगभग 200 वर्षों तक पालन भी किया। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे दोस्तों, अर्जुन देव, और आदि ग्रंथ साहब में बाबा गुरु नानक के भजनों कीर्तनों और उनके 4 उत्तराधिकारियों और बाबा फरीद रविदास जिन्हें रैदास के नाम से, जो रविदास थे उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, रैदास के नाम से जाना जाता है, और कबीर जैसे अन्य धार्मिक कवियों के साथ संकलित किया। गुरुवाणी जो है कहे जाने के लिए इन स्रोतों की रचना अनेक भाषाओं में हुई है, तो ये पूछ सकता है कि गुरुवाणी जो है वो कितनी भाषाओं में, केवल एक भाषा में है या फिर अनेक भाषा में, ये स्टेटमेंट लगा के यूपीएससी बना सकती है, तो ये ध्यान रखना कि अनेक भाषाओं में है गुरुवाणी। भारतीय सीमा के उस पार लगभग 4 किलोमीटर दूर करतारपुर गुरुद्वारा सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। तो अंतिम कहाँ बिठाए थे 18 वर्ष, करतारपुर में इन्होंने बिताए हुए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो आप ये रख सकते हैं कि गुरु नानक देव कौन से काल में थे, 1469 से 1547 के काल में रहे हैं और ये निर्गुण भक्ति से रिलेटेड रहे हैं, और इन्होंने क्या था, इनके उत्तराधिकारी कौन थे, गुरु अंगद देव, 5वें गुरु अर्जुन देव, पता ही आप लोगों को, आदि ग्रंथ साहब इन्हीं से जुड़ा हुआ है, और गुरुवाणी जो है अनेक भाषाओं में थी। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पर पहुँचते रहें। सपोर्ट कीजिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में।